ओ हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो गाइस आज हम लोग वापस से खेलने जा रहे हैं GTA 5। सो गाइस मुझे पता गाइस GTA 5 की सेकंड वीडियो गाइस बहुत ही लेट आ रही है। और हाँ गाइस आज की वीडियो में हम लोग गाइस करने वाले हैं गाइस ज्वेलरी हाइस्ट की गाइस तैयारी, यानी हमारी प्लानिंग करने वाले हैं कि हमें क्या क्या करना है। और नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम लोग कैसे वो करेंगे चोरी। अभी मैं आपको माइकल कर दिखाता हूँ कैसा है। अभी मैं फटाफट से चेक कर ले लेकर आज कुछ पी लेता हूँ। से कहते थे बहुत कड़वा होता है, आदमी को उसकी शक्ल चेक करो बस। सोचो अगर रियल में पी लिया मैंने तो मेरा क्या हाथ होगी। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ फटाफट से माइकल का घर। हम पीछे आएंगे तो पीछे मिलता है बहुत बड़ा स्विमिंग पूल। माइकल घर बहुत बड़ा, अच्छा खासा बड़ा है। पीछे टेनिस है, मैं आपको नहीं दिखा रहा पूरा क्योंकि आपने टेक्नो गेम मस्ती वीडियो में देखा भाई है। लेकिन चलो मैं आपको ऊपर का फ्लोर दिखाई देता हूँ कैसा है। तो आपको पता कि जिमी का बेडरूम, ट्रेसी का बेडरूम, माइकल का और अमेंडा का बेडरूम है। बस ऊपर यहाँ अमेंडा का बेडरूम है और ट्रेसी का, ये जिमी का। इसके हवा गेम खेलते रहते हैं बहुत अच्छा, इसका रूम बहुत अच्छा होता है। वो इधर है भाई हमारा रूम आ गया, ठीक है यहाँ पे सोते ही यहाँ पे हम कपड़े बदल लेते हैं। तो अब हम चलते हैं फटाफट से बाहर। सो गाइस अभी हम चलते हैं, हमें बाहर जा रहे हैं। सो गाइस हम फटाफट से चलते हैं नीचे। गाइस हमारे पास एक ही कार है, वो माइकल की कार और एक अमेंडा की और जिमी की, मैं आपको बाद में दिखाऊँगा। ये गाइस हमने पड़े खड़े पे गाइस माइकल की कार, फटाफट से बैठते हैं गाइस इसमें लगाते हैं गाइस फटाफट से लगाते हैं लोकेशन कि हम लोग क्या ना गाइस सब कपड़े पहन लेते हैं हम अच्छे वाले बिजनेस मैन वाले कोट पैंट पहन लेते हैं। उनके लेफ्ट साइड ने मेरे फ़ोन पे बताया था कि कोट पैंट पहन के आना, हम लोग को ज्वेलरी शॉप के अंदर जाना तो वो जाने नहीं देंगे इसे। तो अभी हम लोग फटाफट से चलते हैं कपड़े चेंज करने के लिए। और फाइनली हम इधर पहुँच भी चुके हैं और मैं तो ज़्यादा ही आगे आ गया। रुको रुको कैसे तो रिवर्स ले लेते हैं, रिवर्स के डाला और ये हम चले गए पीछे की तरफ। अब फटाफट से गाड़ी से उतरते हैं तो चोड़ में चलेंगे नहीं। हमें लगना चाहिए कि भाई बड़ा बंदा है ऐसे, कपड़े से अच्छे नहीं है कपड़े पहन रहा हूँ मैं अच्छे भी। रुक जाओ फटाफट से चल के कहते हैं मैं कपड़े चेंज कर लेता हूँ। तो कहते मुझे ये वाला सूट पसंद आया तो कहते मैंने ये वाला ले लिया। अब बाहर कहते हैं मैं जूतों की इसको बूट कहते हैं, मुझे जो वाले बूट पसंद आ रहे हैं ये ले लेते हैं। चलो फटाफट से चलते हैं लेस्टर के पास, लेट्स गो। ये हम बाहर चले गाड़ी में बैठते हैं तो चलो फटाफट से चलते हैं भैया हम लेस्टर के पास। तो क्या कहते हैं फाइनली मैं लेस्टर के पास गाड़ी भगाता पहुँच चुका हूँ। जो जी मैं गाड़ी ठुक गई। सो कहते आप मैं हमेशा यहाँ पर ठुकती है मेरी लास्ट में तो बड़ी बात नहीं है। फटाफट से करके हमारी गाड़ी तक पार्क कर देता हूँ और चलता हूँ ऊपर लेस्टर के पास क्योंकि वो ऊपर गए थे मेरा वेट कर रहा है। अब हम फटाफट से चलते हैं गए थे लेस्टर के पास। यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर देगा, मैं उसको बोल दूँगा अभी ऊपर चल के। वो देखो वो खड़ा अभी तक खड़ा नहीं, देर से खड़ा हुआ यार, एक घंटा हो गया मैंने उसको फ़ोन किया था। मैं इतनी देर से निकला था घर से, टाइम लग गया था, उठा देते थे ना। अब हम चलते हैं फटाफट से अंदर। सो गए थे मैंने लेस्टर से पूरी प्लानिंग पता कर ली है और अब गए थे हम जा रहे हैं। लेस्टर ने मेरे को कहा कि तुम चलो ज्वेलरी शॉप पर, वहाँ पर लेस्टर का है मुझे कुछ काम है तो मैं सारा काम बस से बताऊँगा मैं। तो चलो फटाफट से चलते हैं हम लोग भाई लेस्टर के जहाँ पर लेस्टर के रहेंगे ज्वेलरी शॉप पे। सो लेट्स गो। ओके गाइस फाइनली मैं पहुँच चुका अपनी गाड़ी को भगाता भगाता ज्वेलरी शॉप पे। लेस्टर के रहेंगे गाड़ी पार्क करते हुए अंदर अंदर, गाड़ी लेना अलाउ नहीं है। और लेस्टर कह रहे तुम भाग भाग के जा रहे हो ज्वेलरी शॉप है बराबर में, तुम पहुँचोगे तुम्हें दिख जाएगा गार्ड खड़ा है, वो तो मैं दरवाज़ा खोलेगा ना तुम अंदर चल जाना। फिर मैंने तुम्हें वो दिया है कैमरा, तुम उसको चाहो तो ना और फिर वो सीक्रेट कैमरा तुम्हारी आँखों में छुपाया है हमने, तुम जो भी देखोगे ना उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ऐसा क्या है तुम फटाफट से ना वो CCTV कैमरा की फ़ोटोज़ खींचो और मेरे को बताओ कैमराज कहाँ कहाँ पर हैं ताकि मैं उस हिसाब से तैयारी करूँ। देखो ऐसे मैंने पूरी प्लानिंग खींच लिया, देखो हमारी इज्जत जरूर कितनी है। अब ऐसा कह रहे फटाफट से कार में आ जाओ क्योंकि हम लोग को जाना है इस ज्वेलरी शॉप की बिल्डिंग की छत के ऊपर और इसकी छत का रास्ता कहते हैं पीछे से। तो लेस्टर कह रहा है तुम फटाफट से आ जाओ पीछे, मैं चलता हूँ मैं तुम रास्ता बता दूँ। चलो हमने कहा ठीक है भाई चल लेते हैं, हमें कहता है तक को जाना है पेट्रोल दलवा लेंगे। और तो अभी हम यहाँ पर जाके राइट टर्न और लेफ्ट टर्न लेना है। फिर यहाँ पर जाके हमें गाड़ी रोक देनी है। यहाँ से हमें लेस्टर ने कहा तुम ऊपर जाओ, ठीक है ना तुम ऊपर जाओ वहाँ से मैं तुम बताऊँगा तुम्हें क्या करना है। फटाफट से चलते हैं हम लोग ऊपर पर। सो वैसे यहाँ से सीढ़ियाँ गए थे, यहाँ पर हमें फटाफट से चलना है सीढ़ियों के सीढ़ियों से जाएंगे तो ऐसी बात है तुम सीढ़ियों से चलते हैं। यहाँ पे आना है मैं सीढ़ियाँ चल के फटाफट चलते हैं ऊपर। फाइनली कहते हैं ऊपर पहुँच चुकी हूँ, यहाँ से मैं जाना है। सामने जाकर तो बड़ी सी सामने दीवार दिख रही ना,
इसके ऊपर जो कहते हैं टैंक वो लगे हुए हैं ऐसे कंडीशनर। हमें गाइस ये हमें ना इसकी फ़ोटो खींचनी लेस्टर भेजनी थी जो है ना ये डब्बा है सामने इसके में कहते हैं फ़ोटो खींचनी ताकि हम ताकि अगर हम लोग को हम लोग उसमें स्मोक फेंकेंगे लेस्टर ने बताया था हम उसमें स्मोक फेंकेंगे। अब हमें फ़ोटो यहाँ से खींचनी इसके ऊपर चढ़ना पहले हमें फिर इसके ऊपर अब हालत बुझे हुए मेरी अब इसके ऊपर अब हमें इसकी फ़ोटो खींचने पड़ा था इसकी फ़ोटो खींचने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ओके गाइस मैंने फाइनली फ़ोटो खींच ली है लेस्टर कहते हैं फटाफट से कार में आ जाओ मैं फटाफट से नीचे पहुँच के मिलता हूँ। ओके गाइस फाइनली मैं नीचे पहुँच चुका हूँ और हम लोग गाड़ी में बैठना है और गाड़ी से अब पता नहीं लेस्टर बताएगा हमको कहाँ जाना है। अब फटाफट से लेस्टर से पूछते हैं कहते लेस्टर कहेगा हमें चलते हमें जाना है गारमेंट फैक्ट्री इसका नाम है फटाफट से पूछते हैं गारमेंट फैक्ट्री। ओके कहते हैं हमें पहुँच चुके हैं गारमेंट फैक्ट्री यहाँ से गाड़ी के फटाफट से राइट ले लेते हैं यहाँ पर गाड़ी जाके खड़ा कर देते हैं। ये क्या हुआ लगता है गाड़ी सुबह हम लोग लगता है एक दिन लगता है लेस्टर हम लोग यहीं पर रहेंगे। मैंने पूरा प्लान लिख से समझ लिया है लेस्टर ने कहा है कि हम लोग पहले इसमें वो फेंकेंगे स्मॉक फेंकेंगे कैमरास के बॉडी गार्ड को मारेंगे वो माइकल को क्या नाम है ऊपर जाना पड़ेगा ताकि वो स्मॉक फेंकें लेस्टर कहता हूँ चूज करो ए लेना भी मैंने बूट भी चूज कर लिया उधर ही है हमें गन में हमें ये ड्राइवर है हम ये लेंगे ड्राइवर में और एक गन में हमारा स्कूल लेते हैं इसकी स्किल अच्छी है। और गाइस ये है गाइस लेस्टर की दोस्त पैच हैकर ये गाइस लेस्टर से भी बहुत अच्छी हैकर है लेस्टर के बहुत काम आती है। तो अब हम लोग को गाइस करनी है हाइस्ट की तैयारी लेस्टर कहे तुम अभी जाओ जरा घर पे या तो तुम घर पे जाओ मैं तुम्हें कॉल करूँगा तो तुम क्या करना तुम कॉल उठाना और मैं तुम्हें काम दूँगा तुम वो काम कर लेना। तो गाइस फटाफट से चलते हैं नीचे हमारी गाड़ी खड़ी पे गाड़ी के पास चलते हैं हमारी गाड़ी खड़ी है मैंने ऐसा कहा था बनवाने से गाड़ी नहीं बनवाई फ्रैंकलिन लेकिन कॉल किया मुझे मेरा पूछते हैं फ्रैंकलिन से क्या काम है उसको मेरे ख्याल से लेस्टर ने उसको कहा होगा माइकल को फोन कर ले ताकि उनके मेरे ख्याल से फ्रैंकलिन ने हमारे हाइस में शामिल फ्रैंकलिन से कहते माइकल की बात चली रही है अभी मैं कहीं ऐसा करता हूँ यहाँ पर कहना कहना गाड़ी यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर देता हूँ गाड़ी करने से मैं बात सुनता क्या मैं तो पता नहीं क्या कह रहा है। तो क्या कहते हैं मैंने फ्रैंकलिन की बड़ी बात सुन लिया था फ्रैंकलिन कह रहा है कि भाई मैं भी तुम्हारे साथ शामिल हो जाऊंगा और हाइस वाले के मेरे को पैसे नहीं पड़ेगा माइकल ने कहा ठीक है भाई दे देंगे लेस्टर की कॉल आ चुकी है लेस्टर ने मैं लेस्टर कॉल नहीं उठा रहा उसने मैसेज में पढ़ लिया और लेस्टर ने मुझे कहा मैप में लोकेशन देखो यहाँ पे एच आ रहा होगा कहते हैं हमें एच के पास जाना है यहाँ पर कहते हैं बगिस्टा वालों की वैन होती है हमें वॉच टॉक लानी है चुपचाप से जैसे लगा कि पुलिस को पता लगना लेना चाहिए हम कोशिश करूँगा चुपचाप से लाने की लेट्स गो। तो क्या कहते हैं फाइनली बगिस्टा वाले पास पहुँच चुका हूँ जो थाने का बगिस्टा हमें कहते हैं इनकी वैन चलानी लेकिन मैं सोच रहा हूँ पीछे से चलते हैं क्योंकि पीछे से भी रास्ता है क्योंकि जितना मेरे ख्याल है मैंने मैंने वीडियो में देखा है पीछे से भी रास्ता होता है टेक्नो गेमर्स की वीडियो में देखा था मैंने हम चलते हैं उधर से पीछे ये गाड़ी हम लोग ज़्यादा बढ़ते से गए थे पीछे अब यहाँ से हम लोग को ज़्यादा जाना है बगिस्ट चलो बस ऐसा कहता है यहाँ गाड़ी नहीं पार्क कर देता हूँ मैं पार्क कर देता हूँ यहाँ पे ये ठोक दी हमने अब यहाँ पे सारे सबके आके मैं किल करता हूँ सबको मारता हूँ ऐसा ऐसा करके ताकि पुलिस को शक ना हो मैं उम्मीद ये साइलेंट निकाल देता हूँ ऐसा कैसे बहुत ही बेस्ट वेपन है मेरे साइलेंट किल के लिए तो क्योंकि इस टंग बहुत अच्छा वेपन है यहाँ छुप जाता हूँ मैं ये बंदा आ रहा है इसको मारेंगे मैंने देख लिया बस ने देख लिया अबे तेरी मार वो भाग गया मैं भाग गया ये मैं भाग गया यार इसको मैं अब पुलिस पीछे लग गई मेरे गाड़ी ने पुलिस पीछे लग गई मैं पुलिस पीछे लग गई यार और से गाड़ी में बैठता हूँ मेरे को कहते मुझे लोकेशन पता है एक अंडरग्राउंड जगह है जहाँ पर कहते पुलिस नहीं आती मेरे को लेस्टर ने बताया था वहाँ चलते हैं फटाफट से लेट्स गो वहाँ पर चलते हैं फटाफट से फिर रास्ता देते मेरे को जानते भाई तो कहते अभी मैं बहुत टाइम लगा स्पीड भी नहीं फटाफट से वहाँ पहुँचते हैं। ओके कहते फाइनल में उधर पहुँच चुका हूँ और पुलिस वाले मैं अभी तक पीछा नहीं छोड़ा अगर कहते ये अंदर चले के तुम्हें पीछा नहीं होगी तो तू क्यों अंदर जा रहा है तू मत जा मैं तो पुलिस पीछे बढ़वा नहीं है मैं भाई से अंदर जा रहा है उसको साइड पर हट हट तुम्हारी बैठ की टांग हटो सर कितनी बड़ी गाड़ी इनकी ऐसे फटाफट से नीचे चल लेते हैं यहाँ से बहुत ध्यान से उनकी अगर गाड़ी कट्टी हुई ना लेस्टर मेरे को पकड़ के जान से मार देगा लेस्टर मार ही मैं कभी भाग जाऊँगा मैं डरपोक नहीं कहते फटाफट से चलते हैं हम लोग गाइस यहाँ पे टनल है यहाँ पे छुप छुप जाते हैं ठीक है
अब देखते हैं कैसे मैं पुलिस जब तक हट जाएगी। सिर्फ कहते पुलिस हटने का मैं जब तक मैं वेट कर लेता हूँ। तो ओके कह दिया, अभी तक मैं पुलिस नहीं, आज के वीडियो में इतने मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।